नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल वैदिक दृष्टि पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जीवन में जब ज्यादा परेशानी हो जाए, आर्थिक तंगी आ जाए या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो कर लेना यह उपाय। दोस्तों, यूं तो गुड़ से कई तरह के उपाय किए जाते हैं, परंतु यह उपाय थोड़ा अलग होने के साथ साथ सरल भी है। दोस्तों, आज आप हमारे वीडियो में बताए हुए थोड़े से गुड़ का वह उपाय कर लीजिए जो केवल रविवार के दिन किए जाते हैं। यदि आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से हार चुके हों, तो दोस्तों, यदि आपने का यह उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, न केवल अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास लाती है। ऐसा माना जाता है कि घर में रखी चीजें समस्याओं को दूर करने करती हैं और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बनती है। ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड़। आपको बता दें दोस्तों, यह हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है। गुड़ में मौजूद कई औषधीय गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में प्रयोग किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो माना जाता है जीवन में चल रही कई तरह की समस्याओं का निवारण होता है गुड़ से। गुड़ के कुछ आसान टोटके और उपाय करके हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि पूरे घर को धन और धान्य से संपन्न बना सकते हैं। आप जानकर वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। गुड़ ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर यह केवल खाने के ही काम नहीं आता है बल्कि कई और भी फायदे के लिए प्रयोग किया जाता है जो हमारे घर को सुख समृद्धि से जोड़ देता है। इस कार्य में आज हम जो उपाय बताने जा रहे हैं, दोस्तों यकीन मानिए, इसमें आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए और हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। न केवल आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी चली जाएगी बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको यह सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, परंतु दोस्तों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे ज्यादा अच्छे गुणों में रखा गया है। कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है। रविवार का दिन होता है, वह भगवान सूर्य देव जी को समर्पित होता है। सूर्य देव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा माना जाता है कि अकेले आप केवल सूर्य देव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो न केवल आपके 9 के 9 ग्रह आपको फल देना शुरू कर देंगे बल्कि आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। अच्छा, आपने यह बात भी देखी होगी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वह प्रति रविवार को भगवान सूर्य देव जी को जल अर्पित अवश्य ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों हो गए या पुराने लोग हो गए उनकी यह बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्य देव जी को यदि जल भर अर्पित कर दिया जाए तो उनकी कृपा मिलती है कि जिसके पश्चात जीवन से हर प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। परंतु दोस्तों, आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्य देव को जल अर्पित कैसे किया जाता है, जल में क्या क्या चीजें डालकर अर्पित की जाती है जिसके हमारे जीवन से हार की समस्या खत्म हो जाए। वह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गुड़ के वह उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लिए तो न केवल आपके जीवन के हर दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी बल्कि सूर्य जी की कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे, निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्य देव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आप बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों आप भी सच्चे सूर्य भक्त हैं तो दोस्त, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्य देव जी की। देखिए दोस्तों, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये ऐसे सटीक उपाय हैं जिन उपायों में आपका केवल 5 मिनट रविवार के दिन खत्म होगा और इन उपाय को करने के पश्चात आप अपने जीवन में खुद ही एक चमत्कारी बदला देखेंगे। इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को करने की मुहिम तो क्या है,
वो भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले जो प्रयोग है वह एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन के हर प्रकार के दोष को खत्म कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है। आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है। आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी तो क्या वजह है कि आपके जीवन में मंगल दोष है, शनि दोष है, या मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दोष है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों, हर प्रकार के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। ये उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए। 11 रविवार के पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वह खत्म हो जाएगा, और आप जिस कार्य को भी शुरू, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। परंतु इसके लिए कुछ चीज आपको चाहिए होंगी। जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के पश्चात एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है, तो गंगा जल डालने के पश्चात उसमें आपको 21 चावल के दाने डालने हैं। थोड़ी सी कुमकुम डालनी है। कुमकुम का मतलब होता है जो आप तिलक लगाते हैं, उसमें कुमकुम का प्रयोग होता है। पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम थोड़ा सा डाल दीजिए, एक चुटकी एक लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की भेली डाल दीजिए। सुबह नहा लिया आपने, धुलिया सफेद वस्त्र धारण कर लीजिए, अपने घर की छत पर जाइए। अब आपको यही पानी जो आपने जिसमें आपने कुमकुम चावल गुड़ डाला है, यहां आपको सूर्या देव जी को चढ़ाना है। अब सूर्या देव जी को जब आप यहां अर्पित करें, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो पानी रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहना है, जितनी देर पानी गिरेगा। यह उपाय आप 11 रविवार कर लीजिए। तो दोस्तों, आपके जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष, चंद्रमा नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव ना हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। यह एक महान उपाय जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन का के समय काम का उपाय है। तो इस बात पर तुरंत ही वीडियो कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान सूर्यदेव लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति का उपाय। आप यह देख रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई है और आप वही के वहीं बैठे हुए हैं। आपकी नौकरी नहीं लग पा रही और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। तो आपको क्या करना है? देखिए, 11 रविवार आपको यह उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और आपकी मनचाह नौकरी आपको मिल जाएगी। चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी, कुल मिलाकर आपके जीवन में आपको एक नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है आपको? प्रत्येक रविवार को सबसे पहले नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोग सादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्यदेव जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे, चावल कुमकुम गंगा जल और गुड़ के, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के पश्चात 100 ग्राम 100 ग्राम जैसी आपकी इच्छा हो, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। यह उपाय करने के पश्चात सूर्य देव जी की कृपा आपको मिलेगी कि नौकरी लगने में जो आपकी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं खत्म हो जाएंगे और सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुख से बच सकते हैं। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है बाधा पानी से मुक्ति का उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप छोटे छोटे भी काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं आ रही हैं। बड़ा काम करने जा रही है तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता, तो आपको क्या करना है? कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके पश्चात निकलेगा। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज है, तो आपको क्या करना है? आप घर से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की भेली रख करके अपने दाएं जेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा। अब मान लीजिए जेब भी नहीं है आपके पास, तो अपने बैग में रख लीजिएगा, बस अपने साथ थोड़ा सा गुड़ माना जाता है। गुरु साथ में रखने से आपके ऊपर जो आने वाली दोष बाधाएं होता है वो गुड़ सोख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही गया है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है, तो 5 रविवार यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। यह एक महा उपाय है और यह आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी ये उपाय उनके देखिए। एक गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय माता के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है, गाय की सिंह के बीच में भगवान का वास होता है। मतलब गाय जो है वह ऐसी हमारी मांग नहीं कही गई है,
दोस्तों गाय को मां कहने की गई वजह है। तो यदि आप लोग लगातार 5 रविवार अपने घर पर 11-11 रोटी बनवाकर के उस पर थोड़ी सी गुड़ की भेली रख करके किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टलती रहती है, तो दोस्तों आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ महादेव माता लक्ष्मी जी माता गंगा का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत ही साधारण सा उपाय है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोगों को रविवार के दिन, रविवार का दिन क्योंकि सूर्य देव जी का दिन होता है, इस दिन यदि आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज जिससे किसी गरीब की मदद हो सके उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके दान कर दीजिए। कंबल हो गया, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई, ऐसी जिससे किसी भी गरीब व्यक्ति का मदद हो सके, या चावल ही हो गया, इसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षु होते हैं उनको यदि आप दान कर दें तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों आपके जीवन में जो भी फिजूल खर्ची हो रही है वह फिजूल खर्ची रुक जाती है। तो यह थी आज की खास जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।